हेलो गाइस, हमारा हाफ डे तो बस सफर और इंतजार में ही गुजर गया और यहाँ हम बेचारे अकेले। ओ भाई, किसी ने क्या खूब कहा है, लड़कियाँ खाना भूल सकती हैं, पीना भूल सकती हैं, सब कुछ भूल सकती हैं, लेकिन फोटो शूट करवाना कभी नहीं। सो भाई यहाँ है सनोवर छोटी से मिलने उनके फैंस। ये फैंस तो बहुत कम है, आगे तो लाइन लगी हुई थी माशाल्लाह से। भाई हमारा स्टाफ मेंबर जो है ना फैन मूवमेंट एंजॉय कर रहा था और रायला भी मुझसे कह रही थी भाई कैमरे में कोई अच्छा आया ना है, मैं अच्छी आनी चाहिए बस। तो भाई पहला फैन ग्रुप जो है ना फ्री हुआ था पिक्चर्स वगैरह लेके, तो सेकंड जो है ना ग्रुप ये था, ये आई थिंक निमरा ब्यूटी सैलून से था मेरे ख्याल से, निमरा ब्यूटी सैलून से। फिर जो है ना इनकी शूट वगैरह की और काफ़ी सारे माशाल्लाह वहाँ फैंस आ गए थे मिलने के लिए, कुछ ब्राइड्स थी, कुछ अननोन पर्सन थे, सब आके जो है ना शूट पर लग गए थे। आप लोगों की भरपूर तालियां होनी चाहिए। इन भरपूर तालियों के बाद फाइनली हम सब की इंतज़ार की घड़ियां होती हैं ख़त्म। इसके बाद जो ना हमारी हम सब की जितनी भी ब्राइड्स हैं, जितनी मॉडल्स हैं, जिस भी पार्लर से सैलून से आई थी, उन सब की जो है ना प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। और मज़े की बात आप लोगों को बताऊं, वहां पर जो है ना प्रेजेंटेशन के लिए जज भी मौजूद हैं। गाइज आप लोगों ने कभी धरती पर सस्ते जजेस देखे नहीं देखे तो चलिए आए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। गाइज आप लोगों को एक अदर डाइनिंग टेबल दिख रही है, हाँ यही, जिस पर बहुत सारे अफराद खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी यही यही है हमारे जजेस, मीट अवर अवार्ड शो जजेस। बाजी रुके हैं, आप कहाँ जा रही हैं, पहले जजेस से राय तो ले लें, आप कैसी लग रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग जज रखते क्यों हैं, कभी इन्होंने अपने रिजल्ट के नंबर देखे होंगे गौर से जो दूसरों को नंबर देने चले हैं। ओ गाइस सॉरी, मैं जजेस की बुराई करने में इतनी बिजी हो गई थी कि मैं प्रेजेंटेशन तो भूल ही गई। तो भाई यहाँ पर जो है ना प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है और माशाल्लाह से सबकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो रही थी और जजेस भी माशाल्लाह खूब काम कर रहे थे और खूब नंबर दे रहे थे सबको। बाय द वे मैं जजेस को फीडबैक देती हूँ कि वो दूसरों की गलतियां निकाल रहे थे, बाकी कोई बात नहीं, हम लोगों ने जजेस को रखा इसलिए था कि वो दूसरों की गलतियां निकाले, नुक्स निकाले और हमें बताएं। आप लोग भी कह रहे होंगे मैंने सारी बुराइयां करने के बाद जजेस को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दिया, यस यही तो मेरा कमाल है। मैं जजेस की बुराइयां इसलिए कर रही थी क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी और हम अपनी बारी का वेट करते करते पागल हो चुके थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सारा गुस्सा जजेस पे निकाल दिया जाए। गाइज लिटरली हमारी जो प्रेजेंटेशन में लेट हो रही थी ना वो होस्ट की वजह से हो रही थी। होस्ट जो आपको ब्राइडल का हाथ पकड़ी हुई नजर आ रही है, जो स्टेज से यहाँ नीचे तक लेकर आ रही है, वो शो की होस्ट थी। और जो ये आंटी है, मींस होस्ट है ना, सॉरी आंटी कह दिया मैंने, बड़ी आप ही है जो है ना, उनकी आज बर्थडे थी तो वो चाह रही थी कि सारे काम जो है ना स्लो हो ताकि जो है मेरी बर्थडे का दिन अच्छा गुजरे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हम कितना इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। गाइज मैंने आंटी से बड़ी आप ही ने इसलिए कहा कहीं ये अगला शो मेरे घर पर ना कर रही हो, फिर मेरे घर पे कहीं अलग सा शो बना हुआ हो। वैसे मैं क्यों डर रही हूँ, मैं तो किसी के बाप से भी नहीं डरती, हाँ लेकिन अपने बाप से डरती हूँ वो बात अलग है। तो गाइस इंतजार की घड़ियां वाकई खत्म, अब जो है ना नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारी होने वाली है मंतशा ब्यूटी सैलून की। Oh,
सो फाइनली गाइज हमारी रैम्प वॉक और हमारी प्रेजेंटेशन दोनों ही कंप्लीट हो चुकी थी। अब आ रही थी हमारी वेट करने की। गाइज अब हम वेट करेंगे अवार्ड अनाउंसमेंट का, ठीक है। हमारी प्रेजेंटेशन के बाद जो है ना ये लास्ट परफॉर्मेंस थी प्रेजेंटेशन की, के बाद जो है ना अवार्ड अनाउंसमेंट होगा। लेकिन उससे पहले एक ट्विस्ट है, यहाँ पर जो है ना हमारी होस्ट की बर्थडे सेलिब्रेट की जाएगी, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो यहाँ जो है ना हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मतलब पूरा स्टाफ मिलकर, तो आपके साथ भी ये मोमेंट शेयर करेंगे। बाय द वे ये जो हमारी मॉडल है ये है अरबियन मॉडल, इसे जूम करके देखें नजर आई जाएगी कहीं ना कहीं। जूम करके आपने देखना ये है कि ये लड़की अरबी ही है या नहीं। चलो छड्डो हमने क्या करना है उसे जूम करके। अच्छा मैं बता रही थी कि अब जो है ना बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई है, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ, जब मैंने कहा है तो आपको ये तो लाजमी दिखाना चाहिए। तो यहाँ जो है ना होस्ट की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। अब फाइनली गाइज वो मोमेंट आने वाला है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आगे जो है ना अवार्ड अनाउंसमेंट होने वाली है। राहिला आबेद माशाल्लाह अपनी एकेडमी चला रही हैं, अपना उनका पार्लर है मदरसा के नाम से, बहुत बेहतरीन काम करती हैं, बहुत खूबसूरत मेकअप करती हैं माशाल्लाह से। तालियों प्लीज, भरपूर तालियां प्लीज। मैं चाहूँगी उनमें हानी स्टेज पर, अभी उनका डेमो भी है, उनकी कुछ डिस्कशन भी है, एक अवार्ड हमने बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें हमारी मेहनत का फल मिल चुका है, हमें पाकिस्तान सोच अवार्ड 2023 मिल चुका है। याहू। और यहाँ सबको मिल रहा था सबकी मेहनत का फल। और आगे होने वाला है मदर डॉटर सेशन, आप भी वो एंजॉय करें। अच्छा गाइस मदर डॉटर सेशन का कुछ ये सीन था कि बेटी जो है ना अपनी माँ की सक्सेस, उनका काम करने का तरीका खुद देखे और उनकी मोटिवेशन बने, तो इसलिए जो है ना इन्होंने मदर डॉटर सेशन रखा था। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि माँ को भी इस तरह से जो है ना एक मोटिवेशन मिल रही है और बेटी को माँ को देख के मिल रही है, तो बहुत अच्छा लगा ये मदर डॉटर सेशन देख के। इसमें हमें हमारे पॉलर को भी जो है ना मदर डॉटर सेशन में अवार्ड मिला। अच्छा जी ये लास्ट मोमेंट थे, लास्ट मोमेंट पे हुआ यूँ कि सनोवर छोटी के जो है ना फैन उनसे मिलने आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था हमें उनको ले जाने निकालने तक की, वहाँ पर जो है ना सोर्स नहीं थी कि हम उनको निकाल के और ले जाएं, काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। पहले तो स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा रश था, उन्हें स्टेज पर से लेकर आए तो फिर यहाँ साइड पर जब हम लेकर आए तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। तो बस ये हमारे लास्ट मोमेंट थे फैंस के साथ। भाई हम लोग बहुत 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 ज़्यादा थक चुके हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पीछे चल रहा है, ये हमारी मॉडल है। हेलो मॉडल, अब हमारा शूट होने जा रहा है, ठीक है। ये सारी मॉडल्स हैं, पीछे पिक्चर्स क्लिक हो रही हैं और एक ये लेडी बैठी है, ये सब हमारी मॉडल्स हैं यहाँ पर भी। सो भाई सब खत्म हो गया, हमारा जो शो था वो भी खत्म हो गया। होपफुली आप लोगों को मज़ा आया होगा हमारे साथ। तो भाई अब सब खत्म है, अब घर जाने की तैयारी हो रही है, सब कुछ फिनिश। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। मैं जो है ना सुबह 6 बजे से उठ के जो है ना व्लॉगिंग कर रही हूँ, आपको पता है, तो इतनी मेहनत से मैंने जो है ना व्लॉगिंग की और अब मैं फारिग हुई, मतलब शाम के 5 बज रहे हैं, अब जाके हम फारिग हुए।